हेलो बच्चे, आज मैं फिर आपके सामने कक्षा 7 पाठ 13 एक दिन का लेकर के प्रस्तुत हुई। एक दिन का कहानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी द्वारा लिखी गई है। कविता का सार कुछ इस प्रकार है कि एक दिन का कविता कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि यह दर्शाना चाहता है कि हमें कभी भी अपने बड़ों का या अपने से छोटों को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर एक छोटी सी चीज भी हमारे लिए हमारे घमंड को नष्ट कर सकती है और हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। कवि इस कविता में एक तिनके के माध्यम से यह बताना चाहता है कि कभी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा सा तिनका ही हमारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। एक तिनका ही काफी है हमारे लिए हमारे घमंड को चूर करने के लिए, हमें अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए। यदि यह तिनका किसी की आंख में गिर जाता है तो सारा घमंड पल भर में नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति अत्यंत ही परेशान हो सकता है। अतः हमें दूसरों को तुच्छ समझकर या कुछ छोटा समझकर कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य यह है कि एक दिन का कविता जिसमें उद्देश्य प्रधान रचना है, इसमें कवि हमें यह बतलाना चाहता है कि हम प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम होते हुए भी हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे से छोटा मनुष्य भी या छोटे से छोटी वस्तु भी हमारे लिए हमारे घमंड को तोड़ सकती है। जैसे एकदम बेजान सा छोटा सा तिनका हमारे घमंड को या तिनका हमारे विचारों को बदल सकता है। एक तिनका घमंड भरे कवि की आंख में पड़कर उसे बेचैन कर देता है तथा वह छटपटाने लगता है। इस कविता का संदेश कुछ इस प्रकार है कि कवि ने तिनके के माध्यम से यह संदेश देना चाहा है कि हमें कभी भी अपने धन अथवा शक्ति का घमंड करते हुए अन्य लोगों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ना ही कोई ऐसी भूल करनी चाहिए, क्योंकि समय आने पर निर्बल या तुच्छ चीजें ही हमें परेशान कर सकती है तथा हमारे घमंड को नष्ट कर सकती है। वैसे भी घमंड को अवगुण माना गया है और इससे व्यक्ति को अपमान भी झेलना पड़ सकता है और अपने आप को नष्ट भी करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आशा है कि इस कविता का सारांश आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप आगे चल करके इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहेंगे। तो मेरी आशा है कि आप मन लगाएंगे और पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को अच्छे से समझेंगे और कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करेंगे या किसी को भी तुच्छ नहीं समझेंगे। धन्यवाद।